उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित उन्नति फॉर्च्यून के अरण्य हाउसिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। दावों के मुताबिक ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसे रद्द किया गया है। रेरा के इस फैसले से करीब 2000 घर खरीदार प्रभावित होंगे जो कि पिछले 5 साल से अपने ड्रीम होम के पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यूपी रेरा के अनुसार पंजीकरण रद्द करने के बाद अथॉरिटी के पास कई विकल्प हैं। सबसे पहले खरीदारों को इस परियोजना को पूरा करने का अधिकार दिया जाएगा और अगर वो सभी साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाते तो अथॉरिटी इसे सुपरवाइज करने का ढांचा तैयार करेगी। देश भर के डिफॉल्ट बिल्डर्स के खिलाफ रेरा कई कदम उठा रहा है। रेरा एक्ट की धारा 7 के तहत अरणिया फेज 3, 4 और 5 का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। ये फैसला तब किया गया है जब लगातार नोटिस के बाद जवाब के लिए उचित समय दिया गया था, लेकिन डेवलपर ने रेरा के नोटिस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस परियोजना को 1500 करोड़ से अधिक की लागत पर 2007 में शुरू किया गया था। फ्लैट विक्रेताओं का कहना है कि वो प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। कईयों ने अरण्य फेज 1 और 2 अपार्टमेंट के लिए पूरा पैसा भी दे दिया है। फेज 3, 4 और 5 के खरीदारों ने अभी सिर्फ 20% हिस्सा ही दिया है, इसलिए अगर नए डेवलपर इसमें शामिल किए जाते हैं तो ये परियोजना पूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।